ऑल राइट गाइस, तो आज हम खेलने वाले हैं फाइव नाइट्स एट फ्राइडीज। तो मैं ना एक टॉय कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मेरा जो काम है ना वो एकदम सिंपल है। मेरी नाइट ड्यूटी है और नाइट में मतलब कि रात में जितनी भी वहां पर एक्टिविटीज होंगी ना, मुझे उन पे बारीकी से नजर रखनी है और मुझे ना फिर उनको नोट डाउन करना होगा कि कहां पर कौन सी एक्टिविटी हो गई। और अब ना मेरी जो ड्यूटी है ना वो नाइट में, तो मतलब बैंड बजेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप यार गेम के अंदर चलते हैं। तो स्वागत है आपका फाइव नाइट्स एट फ्राइडीज। Face Bears Pizza, Family Pizza looking for security guard, maybe ये इस कंपनी का नाम हो। और वो ना शायद एक सिक्योरिटी गार्ड ढूंढ रहे थे कंपनी के लिए और उनको मैं मिल गया क्योंकि मैं एक बेरोजगार सा जवान बैठा था घर पर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार यही काम करते हैं। तो फिलहाल मैं अपने ऑफिस में पहुंच गया और रात के ना बज गए हैं 12, तो मैं भी मुझे 5 से 6 बजे तक यहाँ पर ड्यूटी करनी है। और अभी ना किसी की कॉल आ रही है और आगे ना एक फैन चल रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यार ये हवा किसको दे रहा है। अब म्यूट कॉल करता हूँ यार। नहीं, म्यूट एक, अबे यार म्यूट कॉल नहीं करनी थी मुझे। तो मैंने ये भी सुना है ना कि मतलब यहाँ पर इससे पहले भी एक बंदा था जो कि ड्यूटी कर रहा था, बट उसने ये नौकरी छोड़ दी है और उसने मुझे कहा है कि कोई बात नहीं, तुम नॉर्मली यहाँ पर ड्यूटी करो, डरने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर ना मुझे बारीकी से पावर यूसेज को भी चेक करना होगा। फिलहाल मेरे पास पावर यूसेज 95% है और रात के बज गए 12 और ये मेरी पहली नाइट है। तो मुझे इस ऑफिस में ना पूरी 5 नाइट्स गुजारनी है और यूसेज भी यहाँ पर नॉर्मल है। यहाँ से कुछ डोर है, ये राइट वाला डोर है जो कि ऊपर नीचे होता है। और जैसे ही मैंने इसको नीचे किया ना, यहाँ से पावर कंजम्पशन थोड़ा बहुत ज्यादा हो गई। यहाँ पर एक लाइट है तो मैं यहाँ पर पावर को बचा ही लूंगा, क्योंकि अगर बिजली चली गई ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। यहाँ से एक डोर, ये भी नीचे आ गया और ऊपर एक पोस्टर है और उस पर कुछ टॉयज बने हैं। ओबियस सी बात है, ये एक टॉय कंपनी है। सो वेट, मैंने यहाँ से अपना सीसीटीवी कैमरा ऑन किया। तो फिलहाल ना ये शो स्टेज का सीसीटीवी कैमरा है और यहाँ पर 3 टॉयज है जो कि एकदम नॉर्मल पोजीशन में है और ये ना राइट की ओर देख रहे हैं। और अगर मैं अब कैमरा 2 चेक करूँ, ये डाइनिंग एरिया का कैमरा है और ये भी एकदम नॉर्मल है, यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। ये बैक स्टेज का कैमरा है, यहाँ पर भी किसी का हेड है बट ये एक टॉय है, मुझे बिल्कुल भी डरना नहीं है। पायरेट को का मतलब क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, सॉरी आउट ऑफ ऑर्डर। मैं भी यहाँ पर टॉयज बनते हो। ये सप्लाई क्लोसेट है, ये वेस्ट हॉल है, ये भी एकदम खाली है और ये हॉल कॉर्नर है, ये भी एकदम मतलब नॉर्मल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन यार नीचे बहुत ही ज्यादा कूड़ा है। अबे यार यहाँ पर डस्टबिन रख लो ना यार, उसी में डालो। और ये जो यू है ना, ये मैं हूँ बेसिकली, ठीक है। तो ये यू मैं हूँ। यहाँ पर एक और कैमरा है और इसमें लिखा है हॉल कॉर्नर, यहाँ पर भी कोई नहीं है। ईस्ट हॉल भी एकदम नॉर्मल है, किचन भी ठीक है यहाँ। बट वेट यार, किचन का जो कैमरा है ना वो डिसेबल है, कैमरा डिसेबल्ड, ऑडियो ओनली। मे बी इसमें कोई प्रॉब्लम हो बट मैं इसको कल ठीक करवाऊंगा, क्योंकि यार चोर अंदर घुस सकता है। और यहाँ पर जो मेरी पावर है ना वो अभी है 76%। पावर ही चला गया, अगर बिजली ही चली गई तो हर तरफ अंधेरा होगा, मेरे जो कैमराज है ना वो काम करना बंद कर देंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर पावर को बचाना होगा। और फिलहाल तो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है यार। फिलहाल रात के 2 बज गए और अभी ना मुझे बस 2-3 घंटे ड्यूटी है, उसके बाद मैं वापस अपने घर जाऊंगा। मुझे आगे ना किसी का साया दिख रहा है। नहीं यार ये तो मेरा वहम है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है यार। मैं फिर से ना कैमरा चेक करता हूँ। वेट, यहाँ पर एक टॉय कसम से गायब है। वेट, यहाँ पर 3 टॉयज थे, वो कहीं गायब है और वो पहुंच गया डाइनिंग एरिया में, लेकिन ये था शो स्टेज में। ये डाइनिंग एरिया में कैसे पहुंचा यार? एक मिनट, मैं हूँ यहाँ पर मतलब यू में, कहीं ये मेरी तरफ ना आ जाए। नहीं, ये सब मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। टॉय कैसे मूव कर सकता है? नहीं, यहाँ पर एक टॉय है खाली, कहीं ये मेरी तरफ तो नहीं आ रहा है ना, ऐसा हो सकता है। ओ वेट, उसने यहाँ पर इस कैमरा को भी बंद कर दिया, मतलब कि मेरी बैंड बजने वाली है। वो आ गया बैक स्टेज पे, वो पहले था इस वाले रूम में मतलब रूम 1 में, फिर वो आ गया रूम 2 में और अब वो पहुंच गया रूम 3 में। एक मिनट, यहाँ पर ना और 2 टॉयज थे लेकिन वो तो अभी नॉर्मल पोजीशन में है। नो, मुझे इसी पे नजर रखनी है। वेट, उसने इस वाले कैमरा को भी बंद कर दिया, वो कहाँ चला गया? और मेरे पास जो पावर सप्लाई है ना वो अभी है 50%, आधी तो खत्म हो गई यार। मुझे नाइट सर्वाइव करनी है, मैं कैसे करूँ? इस वाले हॉल में भी नहीं है, तो है कहाँ पर तू बेटा? चला, वेट, वो है इस टाइम पे डाइनिंग एरिया में, क्योंकि मुझे ना आगे एक साया दिख रहा है, हो ना हो ये वही होगा। अभी मेरे पास पावर लेफ्ट है 45%। एक मिनट, अगर मैं दरवाजे बंद करूँ कहीं वो मेरे ऑफिस में ना आ जाए। फिलहाल तो वो यहाँ पर नहीं आ सकता, वो तो मुझसे बहुत ही दूर है। तुम वहीं पर रहो, यहाँ आना भी मत। पता नहीं यार ये वहां से यहाँ कैसे जा रहा है, और इसकी जो स्पीड है ना वो सच में बहुत ज्यादा तेज है। नहीं पता यार ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और वो पीछे से ना कोई डम 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 कर रहा है, मुझे नहीं पता यार ये क्या है। बट जो भी है ना यार, ये कसम से बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और उसने यहाँ पर डाइनिंग एरिया का भी कैमरा डिसेबल कर दिया। अब कहाँ पर पहुंच गया वो भाई? सब यहाँ पर सारे कैमरा डिसेबल है। नो,
वेट यहाँ पर दूसरा टॉय गायब है, वेट 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 कहीं वो मेरे ऑफिस में तो नहीं आ रहे हैं ना, नहीं यहाँ पर भी नहीं है। देखो अगर मैं डोर को बंद करूँ ना तो यहाँ पर बिजली ज्यादा यूज होगी क्योंकि डोर बंद होगा। एक सेकेंड, कहीं वो यहाँ पर तो नहीं है ना। ओह नो, वो पहुंच गया, वो पहुंच गया। अगर मैं डोर बंद करूँ ना तो बिजली यहाँ पर ज्यादा यूज होगी। मुझे पहले यहाँ से लाइट को बंद करनी है। नहीं वो तो मैंने बंद कर दी, वो अभी था वेस्ट हॉल में, बट अब वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ वेट वेट, यहाँ पर दूसरा टॉय आ गया जो क्या है सप्लाई क्लोसेट में। कहीं यहाँ पर तो और कोई नहीं है ना। नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये एकदम क्लियर है। मैं फिलहाल सेफ हूँ। सुबह के बज गए 4, अभी मैं भी खाली 1 घंटा हो और उसके बाद ना मैं यहाँ से लीव कर दूंगा। अगर वो मेरे ऑफिस में आया ना तो मैं नाइट सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, इतना तो कन्फर्म है। बस मैं थोड़ा बहुत नजर रख लेता हूँ यार, कहीं वो यहाँ पर ना आ जाए। सुबह के बज गए 4, अबे 5 बज जाओ जल्दी से, मुझे यहाँ से निकलना है। अगर ये फैन बंद होता ना तो मेरी थोड़ी यहाँ पर ना बिजली बचती, लेकिन फैन तो ऑन है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऊपर वही 3 टॉयज है ना जो मूव कर रहे हैं, तो इनमें जरूर यार कुछ लोचा है। सुबह के बज गए 5 और मेरे पास अभी पावर लेफ्ट है 22%, 21%। अभी वो कहाँ पर है? वेट 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 वेट, वो पहुंच गया वेस्ट हॉल में और उसने यहाँ का कैमरा बंद कर दिया। एक मिनट मैं आता हूँ वापस, मुझे बस चेक करना है। और पीछे से ना अजीब सी नॉइज आ रही है, मुझे नहीं पता यार ये नॉइज क्या है, बट जो भी है ना यार ये कसम से बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। बस अब मुझे पहले यहाँ पर थोड़ा वेट करना है कि 6 कब बज जाए, मे बी यहाँ पर 6 बजते हो उसके बाद यहाँ पर ये सब होता हो। तो मेरे पास ना अभी पावर 17% है। बस यार 6 बज जाओ जल्दी से। वैसे वो कहाँ चला गया? नहीं नहीं वो यहाँ से भी चला गया, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। एक सेकंड मैं करता हूँ कैमराज बंद, कहीं वो यहाँ पर ना आ जाए, मेरे को डर लग रहा है। ओ ओ वो 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 वो, मैं करता हूँ डोर बंद। एक मिनट, वो मेरे लेफ्ट में है। कसम से भाई मेरी हालत खराब हो रही है भाई। 6 बज जाओ जल्दी। अबे दिन कब होगा? 5 बजे दिन होता है भाई, हो क्यों नहीं रहा? यहाँ से तो कोई नहीं है ना। नहीं 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 यहाँ से फिलहाल से। वेट वेट वेट, मेरे पास अभी और कसम से यार ये नाइट 1 थी, बट यार बहुत ही मजा आया। तो अब ना बारी है नाइट 2 की यार, मुझे फिर से सर्वाइव करना पड़ेगा। मैं जितना इसमें पावर सेव करूंगा ना उतना ही यहाँ पर मेरे लिए बेनिफिट होगा। और यहाँ पर ना फिर से उसी बंदे की कॉल आ रही है, लेकिन इस बार मैं पिक करूंगा ठीक है, क्योंकि मुझे ना इस बार देखना है कि ये मुझे क्या बताता है। मेरे पास अभी पावर है 97%, यूसेज भी नॉर्मल है। 12 AM ना यहाँ पर बज गए हैं सुबह के और ये मेरी सेकंड नाइट है, तो मुझे इसको भी सर्वाइव करना होगा। तो मैं यहाँ से अपने पहले कैमरा चेक करता हूँ। वेट, यहाँ पर एक टॉय गायब है, पता नहीं यार वो कहाँ जा है। बे यार वो पहुंच गया बैक स्टेज पे, बस इससे आगे मत आना, वहीं पर रहो। ओ वेट, पायरेट को में कौन है यार, ये कौन है? वे वेट, वापस वापस रोटेट करवाओ, वापस गए, यहाँ पर एक कौन है? ये तो कोई नया ही क्रिएचर है यार, ये तो कोई नया ही टॉय है, ये कौन है? फिलहाल सप्लाई क्लोजर एकदम सेफ है। ओ वेट यार, वेस्ट हॉल में भी कोई है। कसम से मुझे यहाँ पर किसी का ना साया दिख रहा है। और ये क्या बता रहा है कॉल पे? फिलहाल मुझे नहीं लगता यार मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, क्योंकि यार बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अभी तो यहाँ पर 2-2, 3-3 टॉयज आ गए मुझे मारने के लिए। पता नहीं यार मैं सर्वाइव करूंगा कि नहीं, नहीं पता मुझे। अभी मेरे पास पावर है 86%। भाई मेरी बहुत हालत खराब हो रही है, मुझे यार ऐसी नौकरी नहीं करनी है। मैं पहले यहाँ से चेक करता हूँ। नहीं नहीं यहाँ पर सब कुछ ठीक है, यहाँ से भी सब कुछ ठीक है। अभी तो मेरे सामने कोई भी नहीं है और मेरे पास अभी पावर है 82%। अभी भी मेरे पास यार अच्छा खासा बैकअप है। मैं जैसे ही यहाँ से अपने कैमराज को एनेबल करता हूँ ना, यूसेज जो है ना वो थोड़ी बहुत ना ज्यादा होती है। और अभी ना वेस्ट हॉल में एक क्रिएचर है यार, मतलब फ्रेडी है शायद, वहां पर कहीं ये मेरे रूम में ना आ जाए। मैं चेक करता हूँ। नहीं 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 सब कुछ ठीक है, यहाँ से लाइट मारता हूँ, फिलहाल तो सब कुछ नॉर्मल है। वेट, वो यहाँ से चला गया। हाँ हाँ वो शायद यहाँ से चला गया, यहाँ पर फ्रेडी था जो कि वेस्ट हॉल में था, ऑब्वियस सी बात है, और वो यहाँ से गायब हो गया। एक मिनट, हॉल कॉर्नर में ना ये एक टॉय है यार, और ये ना मेरी तरफ ही घूर रहा है। ये मेरे एकदम लेफ्ट में है ठीक है, ये आमतौर ना लेफ्ट से ही आ रहे हैं, तो राइट से कोई भी नहीं आ रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ से लाइट ऑन भी ना करूँ ना तो चलेगा ठीक है। अभी मेरे पास 68% पावर है और हॉल कॉर्नर में ये एक टॉय है जो, वेट ओ वेट, वो तो यहीं पर है। मैं करता हूँ डोर को बंद, प्लीज यहाँ से जाओ। यहाँ बताना चला गया क्या? लगता है वो चला गया, बट यहाँ पर मेरी लाइट काम नहीं कर रही है, लगता है मेरी लगने वाली है यार। नाइट 1 तो मैंने सर्वाइव कर दी थी, बट नाइट 2 लगता है मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। उसने यहाँ पर डोर को जैम कर दिया, उसने यहाँ पर लाइट को डिसेबल कर दिया। वो कहाँ पर है अभी? वेस्ट हॉल में तो नहीं है, हॉल कॉर्नर में भी नहीं है, लगता है वो चला गया। ईस्ट हॉल में भी नहीं है। वेट क्या हुआ? यहाँ पर किसी की आवाज आ रही है और वो कर रहा है यार। अबे क्या हुआ? कब्ज है क्या? मेरे को नहीं पता।
भाई साहब पकड़ लिया इसने मुझे इस बार तो इसने मुझे पकड़ लिया। बट यार कसम से मैं बहुत ही ज्यादा डर गया, बहुत ही ज्यादा। इस बार मैं सर्वाइव करने की पूरी ट्राई करूंगा। फिलहाल मुझे इसने एक बार तो पकड़ लिया, मतलब ये यहाँ पर डोर्स को भी जैम कर सकता है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसा भी होता है। तो मुझे लगता है ना अगर मैं, वेट यार यहाँ पर एक टॉय गायब है, कहाँ पर हो? ओ वेट, डाइनिंग एरिया मेरा ये हटा सा यार सांड बैठा है और लगता है ये खाने के लिए आ गया था। अब यहाँ मत आना यार, प्लीज यहाँ मत आना। वैसे वो यहाँ पर नहीं आ सकता, रात के बज गए 12, भाई बैंड बजने वाली है यार। मुझे क्या लगता है नाइट 1 तो इजी थी इससे यार, नाइट 2 पता नहीं क्यों डिफिकल्ट मुझे लग रही है। और ऊपर से ये जो फैन है ना ये बहुत ज्यादा नॉइज कर रहा है, भाई बंद हो जा, इतना शोर मत कर वरना ये तीनों क्रिएचर्स ना मेरी बैंड बजाएंगे फिर से। वेट यार, डाइनिंग एरिया में फिर से शायद वही बैठा है और यहाँ से दूसरा मॉन्स्टर गायब है। अब मैं क्या करूँ भाई, यहाँ पर एक कौन है इसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये तो एक ही जगह है। वेस्ट हॉल में भी कोई टॉय जो है वो खड़ा है और हो ना हो वो मेरी तरफ ही आ रहा है, लेकिन इस बार मैं इनको अपनी तरफ बिल्कुल भी आने नहीं दूंगा। देखो मुझे क्या लगता है ना ये यहाँ से होके ना मतलब हॉल कॉर्नर में आके फिर मेरे रूम में आते हैं, तो मुझे वैसा बिल्कुल भी होने नहीं देना है। और ये जो ओ वेट, रेस्ट रूम में भी एक क्रिएचर है जो कि मेरी तरफ घूर रहा है, अबे क्यों? और किचन का जो कैमरा है ना वो डिसेबल है, उसमें हमें खाली ऑडियो सुनाई देगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अबे कहाँ गया? यहाँ पर ना वो अभी था लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा यार मुझसे दूर ही हो जा। फ्रेडी ने यहाँ पर एक और कैमरा डिसेबल कर दिया, मे बी वो अब यहाँ पर आने वाला हो। एक सेकंड, मैं फंस गया बीच में, मेरे राइट में भी अब एनिमीज है, मेरे लेफ्ट में भी एनिमीज है। फिलहाल बज गए रात के 1 और ये है मेरी सेकंड नाइट और ऊपर लिखा है सेलिब्रेट। भाई मेरे को ऐसा सेलिब्रेट नहीं करना है, बाहर में गया ऐसा सेलिब्रेट, और ना ही मुझे ऐसी नौकरी करनी है, मैं तो कहीं पर यार मजदूरी कर लूंगा। ओ बंद 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 कर दे इस डोर को, बंद कर दे, वो यहीं पर आ रहे हैं यार। ऊपर से जो यूसेज है ना वो बहुत ज्यादा यूज हो रही है, मतलब एक बैटरी इंक्रीज हो गई, यूसेज बहुत है यार, यूसेज बहुत है। फिलहाल वेस्ट हॉल ठीक है, भाई बिजली बचानी है मुझे। डाइनिंग एरिया में तो ये पहले से ही पड़ा था, ये भी फिलहाल खाली है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर है। ईस्ट हॉल में एक और आ गया, मतलब कि यार मेरे राइट में भी बंदा आ गया। मैं तो गया, मैं तो बीच में फंसने वाला हूँ। अगर मैंने एक गलती से भी इस डोर को ऊपर किया ना तो वो जो फ्रेडी है ना, पता नहीं यार उसका नाम क्या है, वो इसको जैम कर देगा। मेरे पास पावर है 1%। देखो मुझे क्या लग रहा है ना, जैसे ही मेरी पावर यहाँ पर कम होती है ना ये लोग ना मुझ पे अटैक करते हैं, क्योंकि अगर अंधेरा हुआ ना तो अंधेरे में क्या होता है ना, बहुत ही इजी होता है किसी पे अटैक करना। बस अब मुझे नजर रखनी है खाली अपनी राइट की ओर। अभी मेरे पास है 53.3%, रात के बज गए 2। अबे यार मुझे अभी ना तकरीबन 3 घंटे ना इस ऑफिस में गुजारने हैं। ओके वेट, यहाँ पर भी कोई नहीं है, क्यों मैं इसको ऊपर कर दूं? नहीं यार, अगर मैंने गलती से ऊपर कर दिया ना, ऊपर कर दूं क्या? वो बच गया, वो चला गया यार, वो चला गया। अगर मैं यहाँ पर डोर को बंद ही रखूँ ना तो वो मे बी ना वापस जाते हो। चेक करता हूँ, नहीं यहाँ से कोई भी नहीं है, यहाँ से भी कोई नहीं है। वेस्ट हॉल एकदम क्लियर है, और वो टॉयज कहाँ पर चले गए? वेट, यहाँ पर खाली एक टॉय बचा है, यहाँ पर मत ना वो आ रहा है। तो रात के बज गए 3 और बैटरी पावर जो है ना मेरे पास वो है 43%, और अजीब सा नॉइज आ रही है पीछे से, ऐसा लग रहा है कि कोई ना लिफ्ट से बाहर आ रहा है, कहीं ये वही फ्रेडी ना हो जो मेरी बैंड बजाएगा। अबे यार मैं कहाँ फंस गया यार, कसम से मुझे ऐसे ओ भाई साहब, ये दौड़ के आ गया यार, ये वहीं पर था कसम से, ये दौड़ के आ गया। ये तो उस पर्दे के पीछे था ना, ये उसे बाहर ही नहीं आ रहा था। देखो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर 4-5 क्रिएचर्स है, नॉर्मली मुझे करना क्या है, मुझे अपनी पावर को बचाना है, ठीक है? और जितना यूसेज कम होगा उतना मेरा प्रॉफिट है, जितना ज्यादा उतना मेरा नुकसान। तो फिलहाल यहाँ पर यूसेज जो है वो डबल हो गई, 2 टॉयज यहाँ पर है, बट वो एक गधा पता नहीं कहाँ चला गया, वो तो बैक स्टेज पे आ गया, मैं इसका क्या करूँ? ओ ये है वो क्रिएचर जो दौड़ के आया था, तो इससे मुझे बच के रहना है। ये तो मुझे लोमड़ी जैसा लग रहा है और ऐसा लग रहा है ना ये मेरी बैंड बजाएगा। फ्रेडी जो है ना वो शायद आ गया वेस्ट हॉल में, और यहाँ पर जो हॉल कॉर्नर है ना वो तो फिलहाल सेफ है, वहाँ पर कोई भी नहीं है, कहीं वो यहाँ पर तो नहीं आ गया ना। सुबह के बज गए 1, बस मुझे यहाँ पर ना वो परफेक्ट कैलकुलेशंस करनी है। एक मिनट यार, यहाँ पर ये टैडी आ गया जो कि एकदम मेरे लेफ्ट में है, वो कॉर्नर में खड़ा है। अब ना वो बस खाली टाइमिंग देखेगा, मेरा राइट एकदम सेफ है, लेफ्ट भी एकदम सेफ है, नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर वो मेरे लेफ्ट में हुआ ना, और अगर मैंने गलती से भी उस टाइम पे अपना टैबलेट ऑन किया ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है? तो जब तक मैं यहाँ से नजर रखे हूँ ना मैं एकदम सेफ हूँ। नहीं यहाँ पर वो अभी नहीं आएगा, मुझे बस यहाँ पर वो नजर रखनी है। और आगे ये कौन है यार, क्या वो यहाँ से चला गया? हाँ वो चला गया, लेकिन फ्रेडी जो है ना वो अभी वेस्ट हॉल में है, ठीक है? 70% है बैटरी हेल्थ, रात के बज गए 2, तो अभी यहाँ पर खाली 2-3 घंटे है, उसके बाद मैं यार यहाँ से भाग जाऊंगा। अबे यार वो तो अभी वेस्ट हॉल में ही है, उसका साया मुझे दिख रहा है, ये यहाँ से जा क्यों
क्यों नहीं रहा? ओ वेट, यहाँ पर है वो क्रिएचर जो दौड़ मारता है। डाइनिंग एरिया तो एकदम क्लियर है। शो स्टेज में जो ये जो टेडी है ना, ये तो फिलहाल वहीं पर है। लाइट में पहले ऑन करता हूँ, चेक करता हूँ यहाँ से मतलब कोई है। वेस्ट हॉल में वो टेडी खड़ा है। अभी मेरे पास है 62% बैटरी पावर। ऊपर से अगर मेरी पावर ज्यादा कम हुई ना तो ये मुझ पे अटैक करेंगे। वेट, ये डोर जैम हो गया, मैं तो गया काम से। यहाँ से मतलब कोई है? हेलो, ये जैम क्यों हुआ, क्या हुआ? बे यार, मे बी वो मेरे लेफ्ट में हो। अब कुछ नहीं होगा, नहीं यार सब कुछ तो ठीक है। ओ बे तेरी तो, ये तो कैमरा मैन नहीं था, ये यहाँ पर कैसे आ गया? मुझे यार बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। कैमरा मैन तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा, ये तो वेस्ट हॉल में था। तो चलो यार, आई होप कि आपको आज का ये गेम प्ले वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलता हूँ अगली गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।